जय हिंद स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 16। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R equals 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक। Show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R equals 1, 2, 2, 1 is symmetric, but neither reflexive nor transitive. बच्चों सुनो, ये question 1 है आज का, है ना, और एकदम simple। मैंने इसको proper way में लिख कर आपके लिए रखा है। इसके आगे के जो questions आएंगे ना, वो हम सिर्फ explain करेंगे, लिखने का procedure बार बार हम repeat नहीं करेंगे, just to save time। तो अब आप देखो, इसमें सेट दिया है 1, 2, 3 और तो और रिलेशन भी बना कर दे दिया, तो इससे इजी क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो जो स्वतुल्य होता है यानी कि रिफ्लेक्सिविटी में तीनों नंबर्स जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं, तीनों के डबलेट्स होना जरूरी है, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों होने चाहिए, एक भी नहीं है, तीनों ही नहीं है मतलब, यानी कि ए ए करके कुछ है ही नहीं, फॉर ऑल ए। So it is not reflexive, यह स्वतुल्य नहीं है। अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी है। अब आप ये बोल सकते हो कि मैडम 1, 3 के लिए क्यों नहीं चेक कर रहे हो। आपको मैंने शुरू में ही अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बता दिया था कि इसमें जो इफ वर्ड है ना, इफ, वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर 1, 2 है तब 2, 1 का होना जरूरी है। अगर 1, 3 है ही नहीं तो 3, 1 के लिए कोई हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं है, ठीक है ना। तो अगर 1, 2 है तब 2, 1 होना चाहिए, अगर 1, 3 नहीं है तो उसके लिए हम टेस्टिंग भी नहीं करेंगे। तो 1, 2 है, 2, 1 भी है, इसका मतलब ए बी है तो बी ए बी है, फॉर ऑल ए बी। बिलोंग्स टू क्या, इन्होंने सेट का नाम नहीं दिया, जैसे कि मैं इसको लिख दूं सेट ए, ओके, तो फिर मैं यहाँ लिख दूंगी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, नाम नहीं दिया था इसलिए मैंने नहीं लिखा। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, यह संबंध सममित है, ठीक है। थर्ड क्या होता है, ट्रांजिटिव। देखो बेटा, 1, 2 है, 2, 1 भी है, तो 1, 1 भी तो होना चाहिए, 1, 1 नहीं है, है ना। तो इसका मतलब ए बी है, बी सी भी है, परंतु ए सी नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अतः आर सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो कितने अच्छे से प्यार से मैंने लिखा है, अब मैं नहीं लिखने वाली, अब मैं सिर्फ समझाने वाली हूँ, लिखने का काम आपका। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R equals X, Y, X तथा Y में पेजों की संख्या समान है, तद्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। Show that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by R equals XY such that X and Y have same number of pages is an equivalence relation। कितना सिंपल है ना। अब देखो बेटा, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो क्या लिख लूँ मैं, A1, A2, A3 है ना, फिर B1, B2, B3, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी, इनफाइनाइट तो नहीं, खैर फाइनाइट ही होंगी, लेकिन काफ़ी सारी हैं, ठीक है। इसमें से आपने बनाया रिलेशन, इसमें से आपने रिलेशन बनाया, वो रिलेशन बनाते समय आपने कौन कौन सी बुक्स ली जिनके नंबर ऑफ पेजेस सेम थे, वो बुक्स आपने ली। तो मैं बुक है ना, तो बुक वन कर देती हूँ, बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, बुक फोर, ऐसे कुछ बुक्स हैं जिनके पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस सेम है। मान लीजिए कोई वो बुक 180 पेजेस की है, ये वाली, तो ये भी 180, ये भी 180, ये, अब बताओ कितना सिंपल सा है। मतलब मेरे करने से पहले आप समझ गए होंगे कि अब इसमें क्या होने वाला है। तो अब इसमें अगर हम ले लें B1, ठीक, तो इसका मतलब पहली बुक आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन B1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन B1, है ना। हर बुक के जितने पेज हैं खुद के तो बराबर है ही ना बाबा, समझे मेरी बात।
बी वन के नंबर ऑफ पेजेस बी वन के नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल है ना। तो ये ट्रू है सभी ए ए के लिए। अब देखो लिखने का प्रोसीजर ये है, ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये इन्होंने रिलेशन आर दिया है ना, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ए ए बिलोंग ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इस तरह से यहाँ पर आप लिख देंगे और ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। आपको बात समझ में आ गई है ना। बी वन बी टू सी वन सी वन जो भी इसमें आएंगी बुक्स सब खुद के तो बराबर होंगी ही। तो फर्स्ट वाला तो ये पास कर गया, यानी रिफ्लेक्सिव तो है। दूसरा आ जाओ सिमेट्री पर, ये भी है ऑब्वियस है। देखो ना बेटा, अगर मैं ले लूँ बी वन बी टू, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पेजेस इन बी वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बी टू। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, बी वन में पृष्ठों की संख्या और बी टू में पृष्ठों की संख्या बराबर है। तो इट इम्प्लाइज, इसका उल्टा भी तो होगा, नंबर ऑफ पेजेस इन बी टू will be equal to number of pages in B1। इसका मतलब B2 B1 भी आपके रिलेशन सेट में हो गया शामिल। आ गई ना बात समझ में, है ना। अगर B1 के पेज B2 के बराबर है तो B2 के पेज B1 के बराबर है, तो B2 B1 भी इसमें है। फिर हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे AB belongs to R and BA belongs to R। AB अगर belong कर रहा है तो BA भी कर रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब आ जाओ बच्चा ट्रांजिटिव पर, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्यों है, देखो अगर मैं लिख लूँ बी वन बी टू, बी वन बी टू बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन बी वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बी टू। ओके, अब मैं ले लूँ बेटा बी टू बी थ्री, बी टू बी थ्री ले लिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस इन बी टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बी थ्री। बी वन के बराबर बी टू में है, बी टू के बराबर बी थ्री में है, तो बी वन और बी थ्री के भी इक्वल हुए। मान लो इसमें 180 पेजेस हैं बी वन में, इसमें भी 180 है, फिर इसमें 180 है, इसमें भी 180 है। तो सिंपल सी, पता है ऐसा बोलने का भी लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं, कितना तो सिंपल है। इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ पेजेस इन बी वन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बी थ्री। इसका मतलब B1, B3 will also belong to R। ओके, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, हिंदी वाले बोलेंगे संक्रामक है। और फिर बच्चों जब तीनों होते हैं तो क्या होता है, तीनों होते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सिद्ध कीजिए कि ए 1 2 3 4 5, मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे छोटा सा सेट दिया जाता है, में एक रिलेशन है ए बी। वो कैसा है कि ए माइनस बी का मॉड्यूलस यानी कि निरपेक्ष मान सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है यानी कि तीनों है उसमें। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। आपको मैंने इक्विवेलेंस क्लास बताई थी, तुल्यता वर्ग, तब मैंने यही एग्जाम्पल लिया था लेकिन इंटीजर्स में, सेम यही था। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय दिस वन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। बहुत सिंपल है, देखो कैसे है ये सिंपल। ए जो सेट है बेटा वो है 1 2 3 4 and 5, ये आपका ए है। अब आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन ये रहा कि ए माइनस बी का निरपेक्ष मान सम होना चाहिए। आपको एक बात मालूम है कि अगर मैं इवन, पहले मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ ठीक है, इवन माइनस इवन करूँ
तो मुझे इवन मिलेगा, जैसे कि 8 इवन है, 8 में से 6 माइनस किया मुझे मिला 2, तो 2 भी इवन है। इवन समझते हो ना सम, अब हिंदी वाले भी समझ लेना ठीक है। सम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो सम संख्या आएगी, विषम में से विषम घटाएंगे तो भी सम आएगी ठीक है ना। ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन, बाकी नहीं हो पाएगा। देखो अगर मैं 8 में से 5 घटा दूं, यानी कि इवन में से ऑड घटा दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है 3, ये कैसा है ऑड। और अगर मैं ऑड में से इवन घटा दूं, 7 माइनस 4 कितना मिल रहा है 3, ये है ऑड, ये है इवन और मुझे मिल रहा है ऑड। तो मुझे चाहिए इवन, बच्चों हमें चाहिए इवन, उन्होंने बोला है ना आपका क्या है सम, सम यानी कि इवन। तो इवन के लिए मुझे कॉम्बिनेशन कौन से सूट करेंगे, या तो दोनों नंबर इवन हो, दोनों ही सम संख्याएं हो, या फिर दोनों ही विषम संख्याएं हो। क्लियर? एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर हमेशा विषम होगा, इवन और ऑड का डिफरेंस ऑड ही रहेगा, चाहे आप इवन में से ऑड घटा लीजिए, चाहे आप ऑड में से इवन। तो केवल ये दो रिलेशन हमको फायदा पहुंचाएंगे, हमको फेवर करेंगे, 8 माइनस 6 यानी कि इवन माइनस इवन एंड ऑड माइनस ऑड। तो आर रिलेशन क्या बन जाएगा, देखो 1 से शुरू करते हैं, 1 का बनेगा 3 के साथ, 1 का बनेगा 5 के भी साथ, ओके। अब 2 का बनाएंगे, 2 का बनेगा केवल 4 के साथ, हाँ। फिर हम 3 का बनाएंगे, 3 का किस किस के साथ बनेगा, 3 और 1 का बनेगा, 3 और 5 का भी बनेगा। फिर हम 4 से बनाएंगे तो 4 का किसके साथ बनेगा, 2 के साथ। 5 का बनाएंगे तो 5 का 1 के साथ और 5 का 3 के साथ। तो इतने एलिमेंट्स हमको आर रिलेशन में प्राप्त हो जाएंगे, ओके। नाउ अब हम चेकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा, तो हाँ एक जैसा भी तो ले सकते हैं ना बाबा, ये भी तो आएगा 1 1, ये तो ध्यान ही नहीं, 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, क्यों, क्योंकि 1 और 1 का डिफरेंस 0, और 0 को हम क्या मानते हैं इवन, आपको याद है 0 को हम इवन नंबर सम संख्या ही मानते हैं, जैसे कि होता है ना 10, तो इवन नंबर है कि नहीं, यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 भी तो है। तो 1 1 2 2 3 3 आप नहीं ऐसे लिखना, आप तो याद रखना कि पहले ये लिखना है ठीक है, फिर 4 4 देन 5 5, तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों, क्योंकि इसके सारे ए आर में है ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा यानी कि स्वतुल्य होगा ठीक। सेकंड के लिए चेक करते हैं, सेकंड भी है, दिख ही रहा है आपको है ना, आपने पहले लिया 1 3 है आर में, तो आपने देखा 3 1 भी है, दोनों ही मिल रहे हैं, यानी केवल 1 3 नहीं, जितने भी हैं सबके लिए आप चेक कर सकते हो, सबके लिए आएगा ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी है ठीक, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब तीसरे पे आ जाओ, ट्रांजिटिविटी, मैंने कहा ना लिखने का अब आप लोग करना है, ट्रांजिटिविटी देखते हैं, ये भी है, मैंने देख लिया मन ही मन, आप भी देख लो, 1 3 है ठीक है, फिर मैंने देखा 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 है ठीक है, फिर मैंने देखा 1 1 भी है, ओके। और कोई चेक करना है तो 1 5, फिर 5 से लेने वाला आपको 5 3 देखना है तो 5 3 देख लो, तो 1 3 है, यानी मैंने मन में सोच लिया कि सब के लिए ये है, और आप चाहो रेंडमली कोई भी चूज करो और चेक करो, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है यानी कि संक्रामक भी है। तो जब बच्चों ये तीनों होते हैं तो फिर ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, मैंने आपसे कहा था ये आप याद रख लेना, हिंदी इंग्लिश का इक्विवेलेंस रिलेशन को तुल्यता संबंध कहते हैं, ट्रांजिटिव संक्रामक सिमेट्रिक सममित रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य ठीक। तो ये इक्विवेलेंस है यानी कि तुल्यता संबंध है, हो गया है ना, सरल था ना, आगे के इजी मिलेंगे आपको, मैंने देखा। क्वेश्चन नंबर 9, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड यानी इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्णांक, यानी कि साबुत नंबर होंगे, नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव भी, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको लेने हैं 0 और 12 के बीच में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ये दोनों ही तुल्यता संबंध है, ये आपको बताना है। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट दिस गिवन बाय आर इज ए
mod a minus b is a multiple of 4 and r equals ab where a is equal to b is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 in each case. Question 9 हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, ठीक है? इसमें आपको गुणज लेने हैं और आपका जो a सेट है बेटा वो क्या है, वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, ठीक है? अब आप लेंगे R. R सेट क्या होगा? R सेट आपको बनाना है जिसमें A माइनस B का जो आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए. तो सबसे पहले 0, 0, बाबा अभी वो गलती नहीं करना जो पहले करी है ना, खुद के साथ करते जाओ. क्यों भाई? क्योंकि इनका डिफरेंस आएगा जीरो और जीरो तो 12 से 4 से क्या सभी से डिविजिबल है. अब चलिए जीरो का हुआ, अब बारी आती है वन की. वन जीरो, पहले जीरो से शुरू करो. जीरो का 4 के साथ, जीरो और 4 का कॉम्बिनेशन, ठीक है? फिर जीरो एंड 8 एंड जीरो एंड 12, है ना, 4, 8, 12. ओके, इतना जीरो के साथ हो गया. अब वन के साथ कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये हो जाएगा वन का 5, है ना. फिर आएगा वन का 9 के साथ. अब लेते हैं 2, क्योंकि वन के बाद 13 होता तो आता, अब नहीं होगा, है ना. 2 से लेते हैं तो 2 का बेटा आएगा 6 के साथ, 2 माइनस 6 करने से आएगा, है ना. फिर आएगा 2 का आपका आएगा 10 के साथ, ठीक. बस 2 का इन दो के साथ आएगा, पीछे तो कुछ है नहीं. अब 3 से शुरू करो. 3 का आपका आएगा 7 के साथ, है ना. 3 और 7, 7 माइनस 3 4 होता है ना. फिर 3 का और किसी के साथ आएगा क्या, 11 के साथ. 3 और 11 हो जाएंगे, है ना. बस अब आ जाओ 4 पर. अब देखो 4 का 0, अब वापस भी देखते जाना. 4 का 0 के साथ हो चुका है तो 4 0 तो लगा ही लो. हाँ, 4 4 तो हम पहले ही ले चुके हैं. अब किसकी बारी है, 4 8 की, है ना. और फिर है 4 12 की. इसके बाद आ जाइए 5. 5 को पीछे मुड़कर देखिए, 5 1 हो चुका है. अब आप कर सकते हो 9. 5 और 4 मिला लो तो 9, और फिर नहीं, है ना. अब 6 देखो, 6 पीछे मुड़कर देखो, 6 2 के साथ आ चुका है. ओके, तो वो लिख लो पहले. और फिर अब आना चाहिए किसके साथ, 10 के साथ. अब आइए 7. 7 7 7 3 के साथ आ चुका है तो 7 3 लिख लीजिए. और फिर आएगा 11. 7 और 4 11, ठीक है. इसके बाद 8. 8 को देखो, 4 के साथ आ चुका है और किसी के साथ तो नहीं आया, 0 के साथ आ चुका है बाबा. 8 0 आ चुका है, 8 4 आ चुका है ना. आगे, हाँ, 8 12 आएगा. गुड, 8 12 आएगा, है ना. 9 किसके साथ आ चुका है, 9 आ चुका है एक तो 1 के साथ और फिर आ चुका है 5 के साथ. ओके, 5. अभी 10 पर आ जाओ. 10 किसके साथ आ चुका है, 10 6 के साथ आ चुका है और 2 के, तो 10 2 एंड 10 6. अभी रह गया 11. 11 आ चुका है 3 के साथ, 11 आ चुका है 7 के साथ, ठीक. लास्ट रह गया 12, तो 12 आ चुका आएगा 0 के साथ, है ना. और 12 आएगा 4 के साथ और फिर 12 आएगा 8 के साथ. दैट्स ऑल, इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक. कुछ लोग तो नहीं लिखते हैं, कॉमन सेंस में ले लेते हैं. मैंने लिख दिया, थोड़ा टाइम मेरा लगा, आपका नहीं लगेगा क्योंकि आपको तो अब आ गया समझ में. तो बस फर्स्ट केस क्या है, रिफ्लेक्सिव. यस, अब मैं क्या समझाऊं बेटा, 1 0 0 1 1 सब तो है, रिफ्लेक्सिविटी तो है ही. दूसरी आ जाओ सिमेट्री, 0 4, तो 4 0, वो भी हमने चेक कर करके ही लिखा है तो वो भी यस ट्रू है, है ना. अब तीसरा केस ट्रांजिटिविटी है, वो और देख लो, कोई भी ले लो. चलो मैंने लिया 0 8. अब 8 से स्टार्ट होने वाला 8 12, तो 0 12 है कि नहीं. फिर मैंने यहाँ से, चलिए यहाँ से लेते हैं 2 10. अब 10 से स्टार्ट होने वाला 10 2, तो 2 2 है ही. एक का और ले लो, 5 9. 9 से स्टार्ट हो रहा है 9 1, तो 5 1 है बाबा, 5 1 5 1 5 1, ये रहा, है ना. तो ये ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब जो टाइम यहाँ लगता बस वो यहाँ लग गया, है ना, इतना समझ लो. पार्ट बी, पार्ट बी में आपको बोल रहे हैं कि आर ऐसा बनाओ कि ए और बी इक्वल हो. तो ये तो भाई बड़ी अजीब सी बात हो गई, है ना. तो अब इसका सेट क्या बनेगा,
इक्वल हो तो क्या बनेगा, 0 0 1 1 2 2 एंड सो ऑन कहाँ तक, 12 12 तक। ठीक, तो पहला रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सिमेट्रिक है, तीसरा ट्रांजिटिव है, भाई सभी इक्वल है ना, 1 1 1 1 1 1 1 का किसी के साथ है ही नहीं, तो मैं ट्रांजिटिविटी कहाँ से चेक करूँ। और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी तभी चेक होती है जब उनके पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स है ही नहीं तो उनको ग्रीन चिट मिल जाती है। ठीक है, क्लीन चिट, सॉरी नॉट ग्रीन चिट, इट्स क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये भी इक्विवेलेंस है, डन डन डन। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। इसको बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने आज आते ही साथ क्वेश्चन 6 किया है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इफ यू रिमेम्बर हमने क्वेश्चन 6 में हमको एक सेट दिया था 1 2 2 1, याद आया है ना, और ए सेट आपको दिया था 1 2 3, तो इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल। आप एक काम करो, सभी सेट्स के लिए जो अभी आगे हमसे पूछेंगे सबके लिए मैं ए ले रही हूँ 1 2 3 सभी के लिए। अब आ जाओ पार्ट वन, पार्ट वन में मुझे बताना है कि सिमेट्रिक हो बस, ना रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो, तो मैं यही ले लूँ मेरा रिलेशन, इसको आर वन कह दूँ है ना, तो ये मैं ले रही हूँ 1 2 एंड 2 1, दैट्स ऑल है ना। केस नंबर टू, केस नंबर टू में वो बोल रहे हैं संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सममित। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। देखो ना, आपको ट्रांजिटिव लेना है, आप एक काम करो 1 2 ले लो, 1 2 के साथ 2 1 मत लो, 2 3 ले लो, 1 2 3 3 तो है ही ना अपने पास, और तीसरा ले लो 1 3, तो लीजिए रेडी हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है ना, और ट्रांजिटिव यस, क्यों, 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है, ओके है ना। तो ये अपना सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर यहीं से लो बेटा, हाँ इजी रहेगा। थर्ड लेना है, स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। ठीक है, ये भी कोई इशू नहीं है। तो पहले तो हम स्वतुल्य बना लें इसको, यानी कि 1 1 2 2 3 3, ये तो लेना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक भी हो, तो सिमेट्रिक के लिए तो एक काम करो, एक एलिमेंट इसमें बढ़ा लो। आप कौन सा एलिमेंट बढ़ा लो, 1 2 बढ़ा लो। अब 1 2 लिया है तो 2 1 भी लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, तो सिमेट्रिक लाने के लिए पहले मैंने 1 2 लिया तो मुझे 2 1 भी लेना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर मैं इतना ही रखूं बेटा तो इसमें तो फिर ट्रांजिटिविटी चेक हो गई, कैसे, 1 2 2 1 1 1 तो है। अब क्या करूं, और बढ़ाओ एलिमेंट, अब आप क्या करो, यहाँ पर 2 3 ले लो। अब अगर आपने 2 3 लिया है तो आपको 3 2 भी लेना पड़ेगा है ना, क्योंकि सिमेट्री तो बराबर रखनी है ना। अब एक काम करो आप, यहाँ पर 3, अब और तो कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो काम बन गया। यहाँ से देखिए आप 1 2 एंड 2 3, देखो 1 2 2 3, अब क्या होना चाहिए आपके पास, 1 3 होना चाहिए, क्लियर, 1 2 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 यहाँ पर नहीं है। आई बात समझ में, देखो पहले तीनों रिफ्लेक्सिव के लिए ले लिए, फिर मैंने 1 2 लिया, 2 1 लेना पड़ा क्योंकि सिमेट्री शो करना था, फिर मेरे मन में आया कि मैं 2 3 ले लूँ क्योंकि यहाँ से मुझे इसकी मैचिंग सही हो रही थी, लेकिन जब 2 3 लिया बच्चा, चूंकि सिमेट्रिक है तो 3 2 भी लेना होगा, तो 1 और 3 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, तो 1 2 है, 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है। 1 2 बिलोंग्स टू R3, 2 3 बिलोंग्स टू R3, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R3, इट शोज दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो यहाँ पर आएगा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो सारी इसने अपने एग्जाम पास कर लिए।
अरे बाबा अभी और भी है, पार्ट फोर। पार्ट फोर में दे आर आस्किंग रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव तो डाल ही दो बाबा, सबसे पहले इसको नाम रखो आर फोर, है ना। तो वन वन, टू टू, थ्री थ्री, रिफ्लेक्सिव तो डाल दो। अच्छा इसको हमें वो नहीं करना है, क्या नहीं करना है, सिमेट्रिक नहीं करना है। तो वन टू डाल दो, लेकिन टू वन मत देना, ठीक। अब ये ट्रांजिटिव हुआ या नहीं हुआ आप बताओ। देखो हो गया ना ट्रांजिटिव, देखो वन टू, टू टू, टू टू है, गॉट इट। वन टू, टू टू है। अगर मैं यहाँ से लूँ वन वन, वन टू, तो वन टू होना चाहिए, ये स्वयं है। वन वन, वन टू से वन टू, अगर मैं वन टू, टू टू से लूँ तो वन टू, सब कुछ है यहाँ पर। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, ओके। बट लास्ट फिफ्थ, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये फर्स्ट केस जो था ना, वन टू, टू वन, इसमें आप टू टू और वन वन और डाल दो, हो गया। देखो आर फाइव, समझो ध्यान से, आपको रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव छोड़ के दोनों चाहिए। तो वन टू, टू वन, सिमेट्रिक है ना, साथ में वन वन और लगा दीजिए, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी सममित और संक्रामक हो गए, स्वतुल्य नहीं है। आर नहीं है, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। परंतु बच्चों इसी को हम नजरों का धोखा भी कहते हैं। देखो कैसे, अभी मैंने कहा आपसे वन टू, टू वन, तो वन वन, हाँ ठीक है। अब अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ बेटा टू वन और फिर लिखूँ वन टू, तो फिर कहाँ है ट्रांजिटिव, समझे ना। मतलब इसमें अभी टू टू का होना बाकी है, और अच्छी बात यह है कि थ्री थ्री नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, हमारी कंडीशंस तो खराब नहीं हुई, बट ये टू टू मिस हो गया है, इसको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी तो देख सकते हैं ना, कोई मना थोड़ी है। अच्छा इसके बाद दो चीज़ें मुझसे छूट गई है, आप सामने होते तो आप याद दिला देते। जैसे इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ओके। तो देखिए अभी जो इसमें फर्स्ट केस था, इसमें वन से रिलेटेड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बताइए। वन के साथ एक तो वन आया, और वन के साथ आया फाइव, और वन के साथ आया नाइन, ठीक। तो वन, फाइव, नाइन, और सेकंड केस में तो केवल वन के साथ एक वन ही आया। इसके पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर एट, इसमें भी एक चीज उन्होंने कही थी कि प्रमाणित कीजिए कि वन थ्री फाइव के सभी अवयव एक दूसरे संबंधित हैं और समुच्चय टू फोर के। इंग्लिश में वन थ्री फाइव आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू फोर। तो आप जानते हैं, आपने देखा था ना कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाले सेट दो तरह से बन रहे थे, या तो सारे इवन चाहिए उसमें टू फोर, फोर एट ऐसे वाले, और नहीं तो फिर आपको ऑड चाहिए, है ना। देखिए ये था यहाँ पर, ये आपको याद है ना, अभी पिछले पेज पे किया है, वन थ्री, वन फाइव, थ्री वन, थ्री फाइव, वन वन, थ्री थ्री, फाइव वन, यानी सभी ऑड एक दूसरे से रिलेटेड है, और इवन नंबर्स यानी सम संख्या एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये ऐसे प्रूव हो गया। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि वन थ्री फाइव ये आपस में रिलेटेड है, और टू और फोर ये आपस में रिलेटेड है। यही तो बोल रहे थे कि ऑड वाले अलग हैं, ठीक है ना। आपको याद है इक्विवेलेंस क्लास मैंने सिखाई थी, आप देखिएगा उसमें, तो ये इक्विवेलेंस क्लास वन कहलाएगी और ये इक्विवेलेंस क्लास टू कहलाएगी, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन फाइव है, और इनका यूनियन लेने से मुझे मेरा ए, जो ओरिजिनल सेट ए है, वो मुझे वापस मिल जाएगा, ओके। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R equals PQ, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P अगर शून्य शून्य नहीं, यानी ओरिजिन नहीं है, इससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। शो दैट द रिलेशन R
In the set A of points in a plane given by R equals PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to a point P which is not equal to origin is the circle passing through P with origin as center. इतनी लंबी रामायण करने में देखना आप कितना easy है. देखो सबसे पहले तो आपका जो मेन सेट है उसको A ले लो. हाँ ये क्या है सेट ऑफ All points in a plane. In a plane. ठीक है. A क्या है किसी समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय. ठीक है किसी समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय. ओके अब आपको जो रिलेशन सेट दिया है उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं पी क्यू लेने हैं. ठीक है और ये कैसे होने चाहिए ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू. इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जितने भी आपके इस रजिस्टर में ये मेरा प्लेन है इस समय इसमें तो असंख्य इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं सभी हैं. ठीक है आपको कौन से लेने हैं आपको केवल वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल हुई. ओरिजिन है मूल बिंदु है. ठीक है एक पॉइंट पी आपने लिया ये ओपी है कुछ भी है. अब जो दूसरा पॉइंट आपने क्यू लिया वो ओक्यू आपको ये देखना है कि ये दोनों दूरियां बराबर हों. आपको इस समतल में बहुत सारे बिंदुओं में से केवल वही पॉइंट्स लेने हैं जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल हो. तो पी क्यू कैसे होने चाहिए कि ओ पी शुड बी इक्वल टू ओ क्यू. सिंपल. ठीक है बच्चा अब अपन फर्स्ट केस लेते हैं. फर्स्ट केस में मान लीजिए मैंने लिया पी पी तो क्या ये पी पी आर में आएगा. यस क्यों क्योंकि एक बिंदु की ओपी से दूरी मतलब पी बिंदु की ओ से और पी बिंदु की ओ से जो दूरी आएगी वो इक्वली आएगी खुद की खुद से बराबरी आएगी है ना खुद खुद के बराबर होगा. तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया समझे आप. फॉर ऑल इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स बिलोंग्स टू ए बिलोंगिंग टू ए ये ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव तो है रिफ्लेक्सिव ट्रू है. ठीक अब आ जाओ सिमेट्रिक. अगर मैंने लिया पी क्यू बिलोंग्स टू आर इसका मतलब ये हुआ कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू. अब अगर मैं ले लूँ क्यू पी बिलोंग्स टू आर तो मेरी बात सही होगी कि नहीं ओ क्यू विल बी इक्वल टू ओ पी. सिंपल है ना. तो अगर ओ पी ओ क्यू के इक्वल आ रहा है और ओ क्यू ओ पी के इक्वल आ रहा है यानी कि सिमेट्री भी होल्ड हो रही है सममित भी है. तीसरा है बच्चे ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव भी होगा. देखो ना अगर पी क्यू बिलोंग्स टू आर इसका मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू. अगर क्यू आर ले लूँ क्या अब एस ले लेते. ठीक है क्यू एस बिलोंग्स टू आर तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस. इट इम्प्लाइज ओ पी इज इक्वल टू ओ एस. ओ पी ओ क्यू के इक्वल ओ क्यू ओ एस के इक्वल यानी ओ पी और ओ एस भी आपस में इक्वल है ना यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है. तो जब R भी है ना S भी है T भी है इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है यानी कि तुल्यता संबंध है. तो पहला काम तो हो गया. दूसरा उन्होंने क्या बोला है अब आप ये और बता दो कि ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है उनसे जाने वाला जो लोकस है या कोई इन्होंने क्या बोला एक सभी बिंदुओं का समुच्चय एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है ना. शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर. एक पॉइंट पी है ना ओ पी बराबर जो भी है. ठीक है फाइव ले ली सिक्स ले ली फिर आपने लिया ओ क्यू फिर आपने लिया ओ एस और ले लो भाई अल्फाबेट्स तो बहुत सारे हैं 26 तो है ही कम से कम है ना. टी के बाद यू ले लो फिर आप ले लो वी फिर आप ले लो यू वी डब्ल्यू नहीं कुछ भी ले लो. अब इनसे होकर एक सर्कल जाएगा है ना और वो सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमारा ओरिजिन होगा क्योंकि ओ है ये ओ क्या है ओरिजिन मूल बिंदु से दूरी तो ये ओरिजिन है ओ. तो ओ पी ओ क्यू ओ एस ओ टी ओ यू ओ वी ओ डब्ल्यू सब इक्वल है ना. तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो वी विल फाइंड अ सर्कल हु सेंटर इज
ओरिजिन, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग. तो वो हमने इनको बता दिया. ठीक, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है. भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए. T1, T2 और T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर दिस. T1 इज सिमिलर टू T2. Is equivalence. पहला काम तो आपको ये करना है. दूसरा, consider 3 right angle triangles T1, T2 and T3 और फिर बताओ कि इनमें से कौन related है, कौन नहीं. तो आपका A क्या है? A है बच्चों all triangles in a plane. समतल, किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुज. इसमें मैं इस रजिस्टर पे जितने भी बना दूं वो सब A आ गए. ठीक है, अब आपको R बनाना है. R में ऐसा करना, T1, T2 केवल वही वाले ट्राइंगल लेना जो सिमिलर हो. सिमिलर यानी समरूप. याद है 10th क्लास में पढ़ी थी हमने सिमिलैरिटी. तो T1 और T2 समरूप कब होते हैं? समरूप थोड़ा सा जानना जरूरी है. या तो उनके तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएं, है ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, या तो ये हो जाए, या फिर इनकी साइड्स का रेशो सेम हो. जैसे कि ये 2 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 6 है, ये 4 है और ये 8, यानी 2 और 4 1/2, 1/2, 1/2, या तो इनका रेशो सेम हो या एंगल्स इक्वल हो. दो कंडीशंस होती हैं, और भी होती हैं, SAS भी होती है, मेन यही है. ठीक है, तो यहाँ पर हमको केवल वही ट्रायंगल्स लेने हैं जो सिमिलर हैं. तो पहला टेस्ट किसके लिए? रिफ्लेक्सिविटी यानी स्वतुल्यता. तो T1, तो क्या कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है? बिल्कुल होता है, हर त्रिभुज स्वयं के समरूप तो होता ही है. तो ये टेस्ट पास. मैं इतना शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि समझा रही हूँ केवल, है ना. लिखना आप आ गए आपको. दूसरा ले लो, कौन सा? सिमेट्री. तो अगर T1, T2 है, इसका मतलब T1, T2 ऐसे लिखो, T1, T2 बिलोंग्स टू R, है ना. इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2. और अगर T2, T1 बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब हुआ? कि T2 इज सिमिलर टू T1. तो सही बात है, T1, T2 के सिमिलर, T2, T1 के सिमिलर, यानी कि सिमिलरिटी टेस्ट भी पास हो चुका है. तीसरा टेस्ट ट्रांजिटिविटी, ये भी हो जाएगा, है ना. देखो ना, T1, T2 ओके बिलोंग्स टू R, इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2. अब मैंने ले लिया T2, T3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T3. T1, T2 के सिमिलर, T2, T3 के सिमिलर, यानी कि T1 और T3 भी तो आपस में सिमिलर हुए ना, है कि नहीं. तो इसका मतलब T1, T3 भी जरूर R में पाए जाएंगे, यानी कि ट्रांजिटिविटी टेस्ट भी पास हो चुका है. अब आखिरी क्वेश्चन है इनका. एक इन्होंने T1 दिया है, एक त्रिभुज दिया है बेटा T1, इसकी साइड्स हैं 3, 4, 5. दूसरा दिया है T2, इसकी साइड्स हैं 5, 12, 13. तीसरा साइड दिया है T3, इसकी साइड्स हैं 6, 8 और 10. कौन रिलेटेड हुए? अभी आपको सिखाई ना सिमिलरिटी, या तो एंगल्स इक्वल हो या साइड्स प्रोपोर्शन में हो. तो एंगल तो है नहीं, साइड देखो 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10. कौन कौन से रिलेटेड हैं? T1 एंड T3 आर रिलेटेड बिकॉज दे आर सिमिलर. इसको आप अपनी भाषा में लिख देना. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R equals P1, P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है. मुझे ना अब खींच आ रही है कि एक जैसे सवाल दिए जा रहे हैं. 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए. शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज R इक्वल्स P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स.
is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? देखो, इसमें क्या कह रहे हैं? बहुत सारे बहुभुज हैं, पॉलीगॉन्स, यानी ट्रायंगल से शुरू करती हूँ मैं. एक ट्रायंगल वाला ट्रायंगल भी है, एक नहीं हजारों करोड़ जितने भी ट्रायंगल्स हो सकते हैं सब है उसमें. क्वाड्रिलेटरल जितने हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के सब है. पेंटागन कितने भी प्रकार के हो सकते हैं सब है. हेक्सागन यानी ऐसे बढ़ाते जाओ. तो जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं, इसमें तीन साइड्स हैं, इसमें चार हैं, इसमें पांच हैं, इसमें छह हैं, और इनफाइनाइट जाने दो. ठीक है, तो ये हमारा सेट है. सेट ए क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स. ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, सभी बहुभुजों का समुच्चय. ये ए है. अब समुच्चय लिख दिया, फिर ये बना दिया, चलने दो, नो इश्यू. अब आ जाओ आप आर पर. इसमें है पी वन पी टू. इसमें कौन आएंगे? केवल वही आएंगे जिनकी भुजाओं की संख्या बराबर होगी. जितनी पी वन में भुजाएं हैं उतनी ही पी टू की भुजाएं भी होनी चाहिए. तो रिलेशन में केवल वही आएंगे. ओके, नाउ ये हो गया. इसके बाद अब देखो, आप रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लो, कितना तो सरल है बेटा. फिर वही बात आ रही है ना, रिफ्लेक्सिविटी क्या होगी? क्या P1 R में होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जितनी P1 की संख्या है भुजाएं उतनी P1 के यानी स्वयं के बराबर तो होंगी ही. तो ये टेस्ट पास. सेकेंड है S, सिमेट्री. सिमेट्री अगर मैंने लिया P1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी संख्याएं, जितनी भुजाएं P1 में हैं उतनी ही भुजाएं P2 में भी हैं. अगर मैं P2 ले लूं तो देखें क्या होता है. P2 की भुजाओं की संख्या P1 की भुजाओं की संख्या, तो ये भी इक्वल. अगर P1 R में है तो P2 भी R में है, यानी सिमेट्रिक भी है. रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है. तीसरा आ जाओ बेटा ट्रांजिटिविटी पर. ये कितना सरल है ना, है ना. P1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब NP1 इज इक्वल टू NP2. अगर P2 बिलोंग्स टू R होता तो NP2 इज इक्वल टू NP3. इसका मतलब P1 भी R में होगा, यानी कि NP1 इज इक्वल टू NP3. NP1 इज इक्वल टू NP3, इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव टू. अब ये ट्रांजिटिव भी है, तो जब तीनों होते हैं तो बच्चे फिर क्या हो जाता है? ये हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना. अब एक चीज इन्होंने और टैग लगा दिया कि अब ये बता दो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 3, 4, 5 है, वो किस से रिलेटेड होगा? तो भाई ट्रायंगल है, चाहे वो राइट एंगल्ड हो चाहे वो कैसा भी. उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि इसमें सारे पॉलीगॉन्स हैं, चाहे वो कितने भी साइड के हो, कितने भी प्रकार के हो, है ना. उनकी भुजाओं की लंबाई कुछ भी होती रहे, तो 3, 4, 5 की जगह कुछ और भी होता, राइट एंगल की जगह कुछ और भी होता, लेकिन वो एसोसिएट किससे करेगा? सभी त्रिभुजों से. वो केवल एसोसिएट करेगा सभी त्रिभुजों से. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि इट विल रिलेट टू ऑल ट्राइंगल्स इन सेट ए. ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे कि यह सभी त्रिभुजों जो कि ए में है से संबंधित होगा. ठीक है, ये सभी त्रिभुजों से संबंधित होगा. नाउ लास्ट, क्योंकि उसके बाद तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव टाइप है. तो क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, और एल में यानी आर में L1 L2 such that L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित R है. सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है. रेखा y=2x+4 से संबंधित समांतर रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए. Let L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R equals L1 L2 such that L1 is parallel to L2.
show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y equals to x plus 4. तो इसमें a क्या है? All lines present in a plane किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय. समझ गए ना? किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है a, इसमें आ जाएंगी all lines present in a plane. रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि इसमें केवल वही लाइंस लेनी है जो कि एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल हो. इसमें केवल वही लाइंस आएंगी. ठीक. केस वन, क्या L1 L1 के समांतर है? हर रेखा स्वयं के समांतर है. यस, है ना? हर लाइन स्वयं के समांतर तो होती है, तो रिफ्लेक्सिविटी है, सिमेट्रिक है. L1 L2 का मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2. L2 L1 का मतलब होगा L2 इज पैरेलल टू L1. ये भी ट्रू है, यानी ये सिमेट्रिक भी है. ठीक. तीसरा मतलब देखो, सब एक जैसे हैं कि नहीं, है ना? तो L1 L2 अगर है, इसका मतलब L1 पैरेलल टू L2. अगर L2 L3 है, इसका मतलब L2 इज पैरेलल टू L3. अब L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के, ये L1 है. ठीक. ये L2 है और ये L3 है. तो L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो 1 और 3 भी तो हुई ना पैरेलल, यानी कि L1 और L3 भी पैरेलल होंगी. इसका मतलब L1 L3 विल बिलोंग टू R. बस हो गया सिंपल. यानी कि ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. इसके बाद आपसे 11th क्लास की एक चीज पूछ रहे हैं कि रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए. फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 4. बच्चों सुनो, जब दो लाइंस समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो क्या होता है? उनकी ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता इक्वल होती है, है ना? क्या चीज बदलती है? केवल स्थिरांक. y इज इक्वल टू mx प्लस 2 और y इज इक्वल टू mx प्लस 3. ये दोनों आपस में समांतर हैं, इनका m एक जैसा है, ये अलग है. तो आपको कौन सी लाइन दी है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. तो कोई भी लाइन जो इसके समांतर होगी वो होगी y इक्वल्स टू x प्लस c, क्योंकि 2 जो कि इसकी प्रवणता है, ग्रेडियंट है, ये तो यही रहेगी. कौन बदलेगा? स्थिरांक बस. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया. नाउ लास्ट, लास्ट नहीं है, 15-16 दो है. मान लीजिए कि समुच्चय 1-2-3-4 में 1-2-2-1-1-1-4-4-1-3-3-3-3-2 द्वारा परिभाषित संबंध R है. निम्नलिखित में से उत्तर चुनिए. स्वतुल्य सममित संक्रम, अपन चेक कर लेते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी है क्या? 1-1-2-2-3-3-4-4, तो स्वतुल्य तो है, इन तीन में से है, चारों में ही है स्वतुल्य, तो चलो ठीक है. अब आ जाओ सममित, 1-2-2-1 तो सममित यानी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है. समझ गए ना? 1-2 है लेकिन 2-1 नहीं दिखा मुझे. अब ट्रांजिटिविटी पर आ जाओ. 1-2-2-2 से हो गई, 1-2 नहीं, चलो 2-2-2-1 ये हो गया. यहाँ से आओ, 1-3-3-3-1-3 दिख गया, 1-3-3-2-1-2 है क्या? है ना, 1-2 भी है ना. बस हो गया, सब चेक हो गए, 3-2 सब चेक हो गए. तो इसमें कौन सा आएगा? स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है. बी इज करेक्ट, यानी कि आर है और टी है, एस नहीं है. नाउ ये हो गया 15th. इसके बाद 16th. मान लीजिए कि समुच्चय एन में ए बी सच दैट ए इक्वल्स बी माइनस 2 वेयर बी इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आर है. निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए. बच्चों ऐसे सवालों में क्या करना, आंसर रख के देख लेना, वो इजी रहता है. लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इक्वल्स ए बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, बी शुड बी ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर. ठीक, बी को 6 से बड़ा होना चाहिए, ये b है तो ये तो कैंसिल हो गया, 6 से बड़ा ही नहीं है, इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे, इन तीनों को चेक करेंगे. ठीक है, यहाँ रख के देखो, b को रखा मैंने 8, ठीक 8 रखा, 8 माइनस 2 5, लेकिन यहाँ 3 है, ये बेकार हो गया.
यहाँ रखा मैंने 8 माइनस 2 6, तो ये करेक्ट है। यहाँ भी चेक कर लें क्या, 7 माइनस 2 5 है, तो अपना आंसर क्या है बेटा, सी पार्ट। इसमें मैंने आंसर रख के देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 वन शॉट, मतलब वन शॉट तो नहीं है, तीन शॉट में पूरी हुई है, और लेकिन मैंने अपने तरह से बहुत अच्छे से आपको कम टाइम लेकर समझाई है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ठीक। हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 विद इट्स इंट्रोडक्शन फर्स्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो। वेट टिल देन, जय हिंद।